आज हम जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी एग्जाम। हेलो एवरीवन, आई एम अंजू कुमारी, अ करियर साइकोलॉजिस्ट ऑफ योजना आईएएस। आज हम जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी एग्जाम। टेस्ट सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी एग्जाम जैसे यूपीएससी एग्जाम और स्टेट पीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, वैसे हम पढ़ाई तो सब लोग पढ़ाई करते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ना होता है सारे लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब तक आप टेस्ट नहीं देते हैं तब तक आपको आइडिया नहीं रहता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे टेस्ट सीरीज वाई, टेस्ट सीरीज क्यों जरूरी है ना, हाउ हम टेस्ट सीरीज कैसे हम तैयारी करें, टेस्ट सीरीज हम कैसे दें और व्हेन, कब हमें टेस्ट देना चाहिए। ठीक है, यह हम आपको बताएंगे व्हेन, इसलिए क्योंकि आपको टेस्ट देने के लिए भी आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी टॉपिक का आधा अधूरा पढ़ाई किए और जाकर टेस्ट दे दिए, तो वहां आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा और मार्क्स भी कम आएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाएगा। तो इससे अच्छी बात है कि अगर आप टॉपिक कंप्लीट करने के बाद टेस्ट देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा और भी आपको रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा हमने ये टॉपिक पढ़ा था और ये पॉइंट पढ़ा था और टेस्ट में आ गया। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। हाउ आप टेस्ट कैसे देंगे, ऐसे नहीं केवल जाकर टेस्ट दे दिए। कुछ बच्चे होते हैं जो कि प्रीलिम्स हो या मेंस हो, जब भी वो टेस्ट देने जाते हैं प्रीलिम्स का टेस्ट उन्होंने दिया, ठीक है, ओएमआर शीट कलर कर दिया, जितना भी टेस्ट दिया उन्होंने, जितने भी अटेम्प्ट किए और उनमें से कितने सही हुए कितने गलत हुए ये सारा वो नहीं देखते हैं। बस वो देखते हैं कि हम टेस्ट देने चले गए, उसमें कितना मार्क्स आया, बस यहाँ तक कंप्लीट नहीं होता है आपका पूरा टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम। आपका टेस्ट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स का भी टेस्ट दे रहे हैं, मान लीजिए कोई एक मॉक टेस्ट एक फर्स्ट दे रहे हैं, आप फर्स्ट मॉक टेस्ट में आपका पर्टिकुलर टॉपिक हो, आपके टेस्ट सीरीज जब भी उसमें टॉपिक दिया रहता है प्रोग्राम सारा कि फर्स्ट मॉक टेस्ट में कौन सा टॉपिक आपका आने वाला है। मान लीजिए मॉक टेस्ट फर्स्ट में आपका पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपने पॉलिटी का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, ठीक है, पढ़ कर गए, सबसे पहली बार आप पढ़ कर गए, पढ़ाई करने के बाद आप जाकर टेस्ट दे रहे हैं, वहां आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया, बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हुए भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम कौन सा ऑप्शन को टिक करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते और बहुत सारा ऐसा होता है जो सिली मिस्टेक हम कर लेते हैं। टेस्ट में होता है ना सिली मिस्टेक, थोड़े थोड़े पॉइंट के लिए हम मिस्टेक कर जाते हैं। जैसे पॉलिटी में आप कंफ्यूज करते होंगे अक्सर 42 अमेंडमेंट एंड 44 अमेंडमेंट में, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन की वजह से भी हमारा आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने क्वेश्चन, मान लीजिए आपका 100 मार्क्स का टेस्ट है, उसमें से आप 60 टेस्ट अटेम्प्ट किए, 1 to 60 आपने अटेम्प्ट किया, ठीक है, 40 अटेम्प्ट नहीं किए। मान लीजिए 60 अटेम्प्ट में आपका सही कितना होता है, मैंने ये रखता है, आप मान लीजिए 60 में आपका 40 सही होता है लेकिन 20 आपका गलत होता है, तो आपका ये कर्तव्य है कि आप जो टेस्ट देते हैं उसके बाद रिजल्ट आपका आता है। जैसे हमारे योजना आईएएस में हम टेस्ट के साथ साथ जैसे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाया, उसके साथ ही उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं। वो सारे क्वेश्चन, सारे आंसर का, सारे ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन रहता है। तो आप टेस्ट दे दिए, मार्क्स आया, उसके बाद आप ये कीजिए कि आप 1 to 100 तक सारा एक्सप्लेनेशन पढ़िए। उसमें आपका जो क्वेश्चन सही हुआ है उसका भी एक्सप्लेनेशन पढ़िए, और जो गलत हुआ है उसका भी एक्सप्लेनेशन पढ़िए, और जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया है उसका भी एक्सप्लेनेशन पढ़िए। अब बात यहाँ आती है, आप बोलोगे कि आपका जो क्वेश्चन सही हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने का क्या फायदा है ना? जो आपका क्वेश्चन सही हो गया उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने का क्या फायदा है कि नहीं? तो मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने का फायदा बताती हूँ, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें से जो आपको सही लगता है उस पर टिक लगाते हैं, तो आपको जो ऑप्शन पता है केवल उसी के बारे में पता है, बाकी ऑप्शन के बारे में आपको नहीं पता है। तो उसका अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो आप वो सारे ऑप्शन के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। जैसे कि अनटचेबिलिटी, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अनटचेबिलिटी के बारे में किस आर्टिकल में है? ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए होता है, आर्टिकल 15। ऑप्शन बी होता है आर्टिकल 16। ऑप्शन सी होता है आर्टिकल 17 एंड ऑप्शन डी होता है आर्टिकल 18। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा अनटचेबिलिटी के बारे में कि आर्टिकल 17 सही है, तो आपने 17 के ऊपर टिक लगाकर आ गए आप, ये आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। लेकिन वहीं पे आपको नहीं पता है आर्टिकल 15 के बारे में, हो सकता है आपको आर्टिकल 15 के बारे में ना पता हो सकता है आर्टिकल 16 के बारे में ना पता हो कि आर्टिकल 15 में क्या है, प्रोविजन क्या क्या प्रोवाइड करवाया गया है, आर्टिकल 16 का में क्या क्या प्रोविजन है, आर्टिकल 18 में क्या क्या प्रोविजन है, ये आपको नहीं पता है। तो अगर आप इसका, ये तो आपका, हालांकि ये क्वेश्चन आपका सही हो गया क्योंकि आपने लगा दिया सही टिक, अनटचेबिलिटी के बारे में आर्टिकल 17 के में दिया हुआ है, ये आपका सही हो गया। लेकिन उसके बाद अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो वहां से आपको आर्टिकल 15 भी क्लियर होता है, वहां से आपका आर्टिकल 15 में क्या क्या दिया हुआ है वो भी आपको पता चलता है, आर्टिकल 16 के बारे में पता चलता है एंड आर्टिकल 18 के बारे में पता चलता है। तो इससे ये बेनिफिट होता है कि आप एक क्वेश्चन के जगह पे आप 4 क्वेश्चन और इन सब का एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आप इन सबको याद कर चुके हो। अब इन सब के से रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप तुरंत सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो ये बेनिफिट है। और वाई, हमें टेस्ट क्यों देना चाहिए, हम टेस्ट क्यों ज्वाइन करें? ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं आपको टेस्ट क्यों ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहले कि रिवीजन होता है। ठीक है, एक रिवीजन का दूसरा तरीका है कि आप टेस्ट दो। ठीक है, आप बार बार आप रिवीजन तो नहीं कर सकते। कोई भी लक्ष्मीकांत की बुक आपने लिया पॉलिटी का, आप उतनी मोटी बुक आप रिवीजन नहीं कर सकते हैं बार बार, उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाना होगा या टेस्ट देना होगा। ठीक है, तो आप टेस्ट देते हैं तो वहां से आपका रिवीजन होता है, या तो आपका वहां से रिवीजन होता है। इसके साथ ही आपका जो भी छोटी छोटी मिस्टेक होती है, सिली मिस्टेक या छोटी छोटी डाउट या छोटी छोटी कहीं से भी आपको प्रॉब्लम होती है, वहां से आपका क्लियर हो जाता है टेस्ट देने से। जैसे आपने फंडामेंटल राइट आपने टॉपिक पढ़ा। ठीक है, फंडामेंटल राइट आपने टॉपिक पढ़ा, सारा आपने पढ़ चुके हैं, आप पढ़ चुके हो, ठीक है। आपको नहीं पता है इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वहीं अगर आप टेस्ट देते हैं तो यहाँ से आपका पता भी चलेगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा आपको, ठीक है। इसके साथ ही कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहती है। जैसे देखिए टेस्ट हम जो प्रोवाइड करवाते हैं, हमारे यहाँ जो टेस्ट का वो शेड्यूल दिया जाता है कि आपको 15 दिन या 1 वीक का टाइम दिया जाएगा, उस दौरान आपको पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट करके आना है और इस दिन आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो वहां से आपका एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहता है कि मुझे इस वीक के अंदर इतना ही टॉपिक पढ़ना है और उससे रिलेटेड हमें टेस्ट भी देना है। जैसे अभी हम एग्जांपल आपको देते हैं, अपकमिंग संडे में आपका टेस्ट होने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री का आपका टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप इस पूरे वीक हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका टेस्ट होने वाला है। तो ये आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगा। इसी तरीके से उसके नेक्स्ट संडे को आपका हो सकता है पॉलिटी का टेस्ट होने वाला है, तो उस वीक में आप पॉलिटी पढ़ेंगे। तो अगर ये निर्धारित नहीं रहता है ना कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो स्टूडेंट कोई भी बुक उठाकर पढ़ने लगते हैं, उनको कुछ भी आइडिया नहीं रहता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट है। जो भी दिमाग में आया पॉलिटी का भी पढ़ लिए, 2 दिन हिस्ट्री पढ़ लिया, 2 दिन साइंस पढ़ लिया, 2 दिन ज्योग्राफी पढ़ लिया। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन भी नहीं होने वाला है। तो आप एक सही तरीके से सही एक निर्धारित टाइम टेबल बनाकर पढ़ते हैं तो आपका एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट, आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा, ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि टाइम मैनेज आप कैसे कर सकते हैं। जैसे आपको टोटल प्रीलिम्स में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसको आपको निर्धारित टाइम में ही कंप्लीट करना है। 2 घंटे में आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके कलर OMR शीट पे कलर करके आपको सबमिट करना होता है। तो यहाँ से अगर आप रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं तो यहाँ से आपका वो टाइम के अंदर आने लगेगा। टाइम से आप सॉल्व करना भी सीख जाएंगे और आप सबमिट भी कर देंगे टाइम से। तो यहाँ से आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का भी टाइम मैनेजमेंट होगा और रिविजन का भी टाइम मैनेजमेंट होगा, ठीक है। इसके साथ ही एक और बेनिफिट मैं आपको बताती हूँ। टेस्ट तो मैंने आपको केवल प्रीलिम्स का बताया अभी, लेकिन मेंस का भी टेस्ट आप ज्वाइन करेंगे, यहाँ से भी आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। मेंस के टेस्ट में आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस होगी। सबसे पहली बात राइटिंग प्रैक्टिस, अगर आप डायरेक्ट जाकर एग्जाम हॉल में राइटिंग करते हैं तो आपको आदत नहीं होती है लिखने की, ना ही प्रैक्टिस होती है, तो हो सकता है आपको क्वेश्चन आते हुए भी छूट जाएगा। तो यहाँ से आपका राइटिंग प्रैक्टिस होगी। इसके साथ ही आपका जो भी सिली मिस्टेक वो नहीं होगा। जैसे होता है प्रीलिम्स में मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी पॉइंट के लिए हम कंफ्यूज करके और गलत करके आ जाते हैं। 44 के जगह 42, 42 के जगह 44 अमेंडमेंट के बात मैं कर रही हूँ। आर्टिकल 16 में जो भी प्रोविजन दिया हुआ है मुझे याद नहीं, कंफ्यूजन की वजह से हम 17 करके आ जाते हैं, आर्टिकल 17, ठीक है। तो इस तरीके का आपको थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मिस्टेक होता है। तो अगर आप टेस्ट ज्वाइन करते हैं तो वहां से आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो एक तरीके से आपको वो फैक्ट भी याद होगा, फैक्ट भी याद होगा, ठीक है। इसके साथ ही कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपके अंदर, कॉन्फिडेंस। आपको ये नहीं लगेगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारे बेनिफिट के लिए है या नहीं, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या नहीं। आप बताइए 1857 1857 के रिवोल्ट के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है, इसको आपने पढ़ा, लेकिन आपको आइडिया नहीं है इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन मेंस में पूछे जा सकते हैं। तो आप एग्जाम में डायरेक्ट जब उस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। 1857 के विद्रोह में क्या क्या हुआ था, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, इसका निगेटिव एस्पेक्ट क्या है, कौन कौन से इसमें पार्टिसिपेट किए थे, लॉर्ड डलहौजी क्या क्या रोल है, रानी लक्ष्मीबाई का क्या रोल है, नाना साहब का क्या रोल है, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए हिस्ट्री तो आपको स्टोरी की तरह पढ़ते होंगे आप कि, लेकिन जब आप टेस्ट देते हैं तो वहां पता चलता है कि हम स्टोरी की तरह पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां से मुझे फैक्ट भी याद करना है जो कि हमारे एग्जाम में काम आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट आप बर्डन को लेकर, ऐसा नहीं कि हमें टेस्ट देना है बर्डन में रहकर, ऐसे मत टेस्ट दीजिए। आप टेस्ट दीजिए इस तरीके से कि मेरा रिवीजन होगा। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो सबसे अच्छा माना जाता है टेस्ट। टेस्ट के थ्रू आप रिवीजन कर सकते हैं कोई भी टॉपिक को, ठीक है। योजना आईएएस में टेस्ट सीरीज एंड मेंटरशिप प्रोवाइड करवाया जाता है। अभी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज टोटल यहाँ 40-40 टेस्ट होते हैं, जिसमें 20 सेक्शनल एंड 20 फुल लेंथ टेस्ट होता है। 20 टेस्ट होगा जो आपको सेक्शनल टेस्ट होगा, मतलब वहाँ टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, एंड 20 फुल लेंथ टेस्ट होगा जहाँ आपको सारे टॉपिक जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरीके से आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। उसमें आपका हिस्ट्री भी रहेगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करेंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेंगे 20 फुल लेंथ टेस्ट में। लेकिन 20 सेक्शनल में आपका टॉपिक दिया जाएगा कि पॉलिटी से रहेगा, हिस्ट्री से रहेगा, इस तरीके से 20 सेक्शनल टेस्ट होंगे। पहले आपका सेक्शनल टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट लिए जाएंगे। पहले आप टॉपिक सारा सेक्शनल वाइज जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप फुल लेंथ टेस्ट कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आपका सेक्शनल टेस्ट होगा, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट होगा, ठीक। उसी तरीके से मेंस टेस्ट सीरीज भी है। मेंस टेस्ट सीरीज में टोटल 24 टेस्ट होते हैं, ठीक है। इसमें 12 सेक्शनल वाइज एंड 8 फुल लेंथ टेस्ट होता है, और इसके साथ ही 4 टेस्ट एसे का भी होता है, क्योंकि एसे आपका 250 मार्क्स का एसे होता है मेंस में। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम अलग से 4 एसे का भी टेस्ट रखे हैं, और 12 सेक्शनल प्लस 8 फुल लेंथ टेस्ट। इतना ही नहीं, इसके साथ मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करवाया जाता है। मेंटोरशिप मतलब क्या? मेंटोरशिप मतलब कि वो आपको गाइड करेंगे, ठीक है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है, कैसे आपको आंसर लिखना है। कभी कभी होता है ना कि हम टेस्ट दे रहे होते हैं और पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, लेकिन टेस्ट में हमारा मार्क्स अच्छा नहीं आता है, तो हम कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, होता है ना ऐसा। तो आपको मेंटोरशिप, इसीलिए आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसे आपने टेस्ट दिया, प्रीलिम्स का टेस्ट दिया, ठीक है, यूपीएससी का अगर क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो उसमें उसका ऑप्शन भी थोड़ा डिफिकल्ट रहता है और हमें डिसाइड करने में थोड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। स्टूडेंट पर्टिकुलर टॉपिक पढ़कर आते हैं, लेकिन उसी पर्टिकुलर टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम बनाने में असमर्थ होते हैं। तो ये आपको गाइड करेंगे किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है कि आपका टेस्ट में मार्क्स अच्छा आए, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो। ठीक है, मेंस में आपको गाइड करेंगे कैसे आपको अच्छा आंसर लिखना है। ठीक है, क्योंकि मेंस में आपको एसे जो होता है, एसे का पेपर, एसे में तो आपको 1000 से 1200 1000 से 1200 वर्ड में आंसर लिखना होता है। तो इतने वर्ड में आंसर लिखने के लिए आपके पास कंटेंट का होना भी बहुत जरूरी है। ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख सकते हैं आप जब तक कि आपके पास कंटेंट नहीं रहेगा। 1000 से 1200 वर्ड में आप ऐसे नहीं लिख सकते। तो ये आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपको कंटेंट इकट्ठा करना है और किस तरीके से आपको किसी भी क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए, ये आपको मेंटरशिप के तहत आपको बताया जाएगा। ठीक है, जहां आपका ऐसे 1000 से 1200 वर्ड में लिखना है, 1000 से 1200 वर्ड में लिखना है, वहीं जीएस का जो पेपर है, जीएस का पेपर आपको 150 वर्ड्स में लिखना होता है। 10 क्वेश्चन 250 वर्ड्स में लिखना होता है। ठीक है, ऐसे में आपको, ऐसे के लिए आपको 1000 से 1200 वर्ड में लिखने की प्रैक्टिस करना है। वहीं पे जीएस के लिए आपको 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स में लिखने की प्रैक्टिस करना है। तो इसके लिए आपको कंटेंट भी होना जरूरी है और इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी और अप्रोच क्या होगा ये भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चन को किस तरीके से कम शब्दों में आप उसका पूरा एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, वो आपको यहाँ दिखेगा। और मेंटरशिप के तहत आपको गाइड करेंगे, वो खुद इंटरव्यू सीटर होते हैं, एग्जाम क्वालिफाइड होते हैं, वो एक्सपीरियंस होते हैं टीचर जो आपको गाइड करेंगे। ठीक है, जो खुद एक्सपीरियंस्ड है वही तो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपको ये बताया जाएगा कि मेंस में आपको किस तरीके से आप अप्रोच करना है। इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में, इंट्रो पार्ट में आपको क्या लिखना है, मेन पार्ट में आपको क्या लिखना है, एंड कंक्लूजन में क्या लिखना हो, कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो, कहाँ पे आप पाई चार्ट बना सकते हो जिससे कि आपका मेंस का आंसर इनरिच हो। मेंस आंसर आप इनरिच करोगे तभी तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा, क्योंकि वहां और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एग्जाम दे रहे होते हैं। और आपका मार्क्स क्यों बाकियों से अच्छा आएगा, आपका रिजल्ट क्यों आएगा और बाकियों का नहीं आया, क्योंकि आपका आंसर उन लोग से अच्छा है। और उन लोग से अच्छा होने के लिए आपको अपने आंसर को इनरिच करना है। इनरिच करने के लिए आपको आंसर में डायग्राम, पाई चार्ट, डेटा, ये सब आपको मेंशन करना होता है, तभी आपका आंसर इनरिच होगा। ठीक है, तो मेंटरशिप के तहत ये आपको प्रीलिम्स के लिए भी गाइड करेंगे और मेंस के लिए भी गाइड करेंगे। जिस तरीके से आप प्रीलिम्स का आंसर टेस्ट देने के बाद उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, उसी तरीके से मेंस का एग्जाम देने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन और यहाँ हम एनालिसिस भी करवाते हैं। ठीक है, तो योजना आईएएस में आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का टेस्ट होगा और ये हाइब्रिड मोड पे होगा। हाइब्रिड मोड मतलब ऑफलाइन अगर आप सक्षम है ऑफलाइन आकर टेस्ट देने के लिए तो आप बेटर होगा कि आप ऑफलाइन आकर टेस्ट दें, अन्यथा अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आपका ऑनलाइन भी है, तो आप ऑनलाइन भी टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, और ये टेस्ट स्टार्ट हो रहा है 28 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होगा। टेस्ट आपका एवरी सैटरडे एंड संडे को होगा। सैटरडे को प्रीलिम्स का टेस्ट होगा और संडे को मेंस का टेस्ट होगा।